गाइस, ये है वीवो X100 Pro एंड ये ना कमाल का स्मार्टफोन है। तो गाइस, आज फुल रिव्यू करने वाला है इस स्मार्टफोन का एंड बताने वाला कि क्या कुछ इस फोन में स्पेशल है। एंड आई थिंक ना ये इस बार वीवो ने कमाल का काम किया है। एंड इसका कैमरा के बारे में बहुत कुछ बोलना है, तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना एंड कैमरा पार्ट तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि शायद इस साल वीवो सैमसंग और आईफोन से भी बेटर काम किया है एंड मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। एंड क्यों आगे बताऊंगा। सो स्टार्ट करने से पहले ना, मैं नाम अभिजीत, आप देख रहे हो ऑलटेक, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं इस फोन का कैमरास के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली गाइस कैमरास इसका मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है। हालांकि फोन ओवरऑल भी बहुत बढ़िया है, लेकिन गाइस कैमरा इसका सबसे ज़्यादा गाइस मतलब इंपॉर्टेंट है, लाइक जो बोलते हैं ना एलिफेंट इन द रूम, तो वो है कैमरास। तो गाइस पीछे का जो सेटअप है ना, वो गाइस है 50+50+50 मेगापिक्सल। गाइस 50 मेगापिक्सल का आप लोग को गाइस मेन सेंसर मिल जाता है, जो कि 1 इंच का सेंसर है। उसी के साथ गाइस आप लोग को ना गाइस 50 मेगापिक्सल का एक 4.3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि बहुत ही कमाल का है। मैं आगे आप लोग को सैंपल्स दिखाऊंगा एंड भाई माइंड ब्लोइंग है गाइस, लाइक ये DSLR को टक्कर दे देगा, सच बता रहा हूँ। DSLR से बेटर फोटोज आ रहे हैं गाइस, इतना बढ़िया इसका जो कैमरा क्वालिटी है ना। एंड उसके साथ गाइस 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंड सामने गाइस 32 मेगापिक्सल का आप लोग को फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है। लेकिन अब मैं बताऊंगा इस फोन का गाइस क्या क्या फीचर्स है। गाइस फीचर्स तो भर भर के है गाइस, आप लोग सन को जूम करके एक बहुत ही सन इफेक्ट वाला ले सकते हो। गाइस स्टारी मोड है, स्ट्रीट मोड है, फूड मोड है, विविड मोड, टेक्सचर मोड, ऊपर से गाइस क्या क्या नहीं है। गाइस पोर्ट्रेट वीडियो ले सकते हो, गाइस 8K तक शूट कर सकते हो, 4K तीनों लेंस से शूट कर सकते हो गाइस, एंड सामने गाइस 1080p 30fps। आई डोंट नो व्हाई वीवो ये क्यों करता है, क्योंकि ये फ्लैगशिप कैमरा है, पता नहीं क्यों नहीं करता वीवो। तो ये एक कैमरा में बस एक वन एंड ओनली कौन है, सच बता रहा हूँ। तो सबसे पहले बात करता हूँ मेन जो लेंस है ना, वो बहुत ही बढ़िया है, लाइक सिंपली बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे कलर्स के साथ। एंड वीवो ने ना काफ़ी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया, क्योंकि गाइस वीवो ने इसमें V3 चिप यूज़ किया है, जो कि गाइस लो लाइट में काम तो आता ही है, लेकिन जो इसका जो ऑप्टिमाइजेशन है ना, वो बहुत ही परफेक्टली सही तरीके से काम करता है। एंड जो इमेज प्रोसेसिंग है, वो मुझे बहुत ही फैंटास्टिक लगा। पोर्ट्रेट मोड हो, नॉर्मल मोड हो, गाइस चाहे वो नेचर का फोटो हो या फिर ह्यूमन टेक्सचर हो, हर एक चीज़ को बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से गाइस यूटिलाइज करता है एंड अच्छा से गाइस प्रोड्यूस करता है इमेज को, जो कि बहुत ही मुझे फैंटास्टिक लगता है। नेक्स्ट गाइस इसका अल्ट्रा वाइड भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन अल्ट्रा वाइड मुझे लगता है सैमसंग और एप्पल वीवो X100 Pro से बेटर लाता है। लाइक हाँ 50 मेगापिक्सल का है, नंबर गेम में वीवो बड़ा है, लेकिन बेटर फोटोज़ गाइस एप्पल और सैमसंग लाता है। तो ये मैं नेट पिकिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस ये 90,000 का फ़ोन है। अगर ये फ़ोन 50-60,000 का होता ना, तो मैं बोलता बहुत ही कमाल का फोटो ला रहा है। लेकिन गाइस अगर फ्लैगशिप है, तो गाइस एकदम टॉप टियर फ्लैगशिप के साथ कंपेरिजन भी होगा ना। तो यही था गाइस, एंड मैं ये कहूँगा कि अब आते हैं गाइस मेन मुद्दे पे, पेरिस्कोप लेंस। इसका जो 4.3x है ना गाइस, फैंटास्टिक फोटो लाता है गाइस, सीरियसली। लाइक DSLR भाई, आप लोग समझ नहीं पाओगे DSLR है कि DL यार फोन से लिया गया। लाइक जब सैमसंग या एप्पल से आप लोग फोटो लेते हो ना, फोटो बहुत ही कमाल का आता है, नो डाउट, लेकिन वो लगता है कि हाँ ये फ़ोन से फोटो लिया गया है। जब आप लोग जूम करते हो वगैरह वगैरह, तो फोटो फटना शुरू कर देता है। यार वीवो ने कुछ अलग ही कर दिया यार, लाइक सीरियसली। इसका जो पोर्ट्रेट मोड है ना, वो एक तो एज डिटेक्शन बहुत ही फैंटास्टिक है, ऊपर से गाइस इसका डिटेलिंग यार, मैं PC में डाल के जूम कर रहा था, जूम करते जा रहा था यार, फट ही नहीं रहा यार पता नहीं वीवो ने क्या काम किया है। लाइक सीरियसली, मतलब मैं ये कहूँगा कि ये यार का ना बेस्ट पेरिस्कोप सेंसर एंड बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन वीवो X100 Pro का है, मतलब एकदम 100%। ना ही आईफोन 15 प्रो का गाइस 5x पेरिस्कोप है, और ना ही गाइस 50 मेगापिक्सल का सैमसंग का पेरिस्कोप है। मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि वीवो ने ना बहुत ही कमाल का, एंड ऊपर से गाइस जायस के साथ जो कोलैबोरेशन है ना, टी स्टार कोटिंग है गाइस, रिफ्लेक्शन भी नहीं आता। ऊपर से गाइस भर भर के आप लोग को जायस मोड मिल रहा है, बायोटा, जीटर, जायस नेचुरल ब्लर, गाइस भर भर के। ऊपर से आप लोग 5 मोड में एक एक पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो। गाइस आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना 35mm, 50mm, 85mm, 100mm। गाइस
मतलब फैंटास्टिक लगा, सच बता रहा हूँ। 24 mm भी आप लोग ले सकते हो अल्ट्रा वाइड में, तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। एंड ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि कैमरा इसका फैंटास्टिक है। एंड मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, इसका एक कौन जो है वो है फ्रंट फेसिंग कैमरा। फ्रंट फेसिंग कैमरा ऐसी बात नहीं है कि ख़राब फोटोज़ लाता है, अच्छा फोटोज़ लाता है, राइट। लेकिन अगर कंपेयर करके देखें ना तो यार ख़राब लगेगा, ठीक है। क्योंकि ख़राब क्यों लगेगा, क्योंकि गाइस S24 अल्ट्रा या फिर आईफोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा सेल्फी क्लिक करता है इससे। यहाँ तक कि गाइस पिक्सल जो है ना उसका भी गाइस इमेज क्वालिटी ओवरऑल इसी के टक्कर में है, जो मतलब सेल्फी का बात कर रहा हूँ। तो सेल्फी ओवरऑल अगर देखा जाए ना तो थोड़ा सा कॉन पॉइंट है 90,000 के हिसाब से। बाकी ओवरऑल ना मुझे बैक साइड का कैमरा गाइस, स्पेशली गाइस जो मेन सेंसर है एंड गाइस जो पेरिस्कोप सेंसर है ना, एकदम वीवो ने किल कर दिया गाइस फोन मार्केट को। एंड गाइस एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है कि हाँ पोर्ट्रेट ऐसे लिया जाता है। एंड भाई फैंटास्टिक लगा मुझे ये फ़ोन यूज़ करके, बहुत मज़ा आया इसका कैमरा आपके साथ खेल के। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसका जो कैमरा है ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लगा है गाइस। तो इसका जो डिस्प्ले है ना वीवो X100 Pro का, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लगा है गाइस। 6.78 इंच का एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है गाइस। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी बहुत ही क्रेजी फास्ट गाइस अनलॉक होता है। 3000 निट्स का इस पीक ब्राइटनेस है। उसी के साथ गाइस LTPO टेक्नोलॉजी तो आप लोग को मिलता ही है, क्योंकि गाइस इसमें ना आप लोग को डेफिनेटली 100 से 120 Hz तक रिफ्रेश रेट मिलेगा वेरिएबल। एंड भाई बहुत ही बढ़िया है डिस्प्ले, कलर एक्यूरेसी मुझे बहुत ही सही लगा, ब्राइटनेस भी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो ओवरऑल ना मुझे डिस्प्ले में कोई भी शिकायत नहीं है गाइस। एक फ्लैगशिप डिस्प्ले जैसा होना चाहिए ये भी वैसा ही है। तो डिस्प्ले के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा और बड़ा अच्छा के बोलना नहीं है गाइस, डिस्प्ले का फैंटास्टिक है गाइस। तो नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ गाइस बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो गाइस बिल्ड क्वालिटी जो है ना इस फोन का गाइस वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मुझे ख़राब लगा। तो गाइस ये है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैट फिनिश, थोड़ा ग्लिटरी टाइप का फिनिश जैसे कि वीवो करते रहता है अपने फोन के अंदर गाइस। तो मुझे यार बहुत सही लगा, सही बोल रहा हूँ। एंड लेकिन ना मुझे एक चीज़ लगा कि आप जो वीवो का जो लाइक वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा वीवो को देखना चाहिए यार। फ़ोन काफ़ी ज़्यादा वेट फील होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा भारी फील होता है यार। मतलब अगर आप लोग रात में वीडियो देखते देखते मुँह में गिर गया ना फ़ोन, तो गाइस आप लोग का ना भाई दांत टूट जाएगा, सच बता रहा हूँ गाइस, इतना भारी है ये फ़ोन। तो यार वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा वीवो को देखना चाहिए। बाकी यार मुझे सब कुछ फैंटास्टिक लगा। IP68 है गाइस, आयर ब्लास्टर है, तो ओवरऑल एक पैकेज है। एंड बाकी वीवो ने एकदम क्लासी डिजाइन रखा है, कर्व्ड एमोलेड है। एंड ओवरऑल गाइस कैमरा मॉड्यूल है ना वो बहुत ही बड़ा है गाइस। एंड तो या ओवरऑल मुझे वीवो का बिल्ड क्वालिटी तो अच्छा लगता है, बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन मुझे वीवो में हर टाइम अच्छा लगता है। वीवो बनाता भी अच्छा ही है, लेकिन हाँ वेट डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा और बेटर होता ना तो फ़ोन और ज़्यादा निखर के आता गाइस। नेक्स्ट है ना इस फोन का कनेक्टिविटी। एंड कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है गाइस, क्योंकि इस फोन में सब कुछ ही है कनेक्टिविटी। लाइक आप लोग को ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है गाइस, डुअल 4G वोल्टी मिल जाता है गाइस, 15 5G बैंड से गाइस NFC मिल जाता है, वायरलेस चार्जिंग है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग है यार इस फोन में, यार सब कुछ मिल जाता है गाइस। NFC तो मिलता है, आयर ब्लास्टर उसी के साथ मिलता है गाइस। एंड बाकी कोई भी सेंसर में भी कोई इशू नहीं है, वाईफाई 7 भी मिल जाता है गाइस। तो ओवरऑल ना ये एक फुल पैकेज है। एंड कनेक्टिविटी में मुझे कोई भी इशू इस फोन से फेस नहीं हुआ है। नेक्स्ट है गाइस सॉफ्टवेयर एंड UI। तो गाइस वीवो X100 Pro का जो सॉफ्टवेयर है ना वो है गाइस FrontOS 14 बेस्ड ऑन Android 14। एंड इसके साथ गाइस आप लोगों को 3 साल का मेजर अपडेट तो मिलने वाला है इस फोन में। तो गाइस एंड्रॉइड 17 तक तो मिलेगा, ये सब तो सुनने में अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन गाइस एक चीज़ बताओ, ये FrontOS है ना बहुत ही गंदा है। ऊपर से गाइस वीवो यार इसमें भी एड्स ला रहा है, लाइक इतना प्राइसी फ़ोन है यार 90,000 यार, वीवो शर्म कर लो यार। ऊपर से गाइस जो बहुत ही ज़्यादा डार्क पैटर्न है, सीरियस बता रहा हूँ, जब आप लोग बंद करने जाओगे ना आप लोग एकदम ठीक से पढ़ना होगा, वरना अगर आप लोग जो ऑफ करने जा रहे थे ना वो ऑन करके आ जाओगे, सच बता रहा हूँ। वीवो का जो वी स्टोर है ना वो बहुत ही खतरनाक है, लाइक सीरियसली अगर आप लोग हॉट गेम्स बंद भी करोगे ना तब भी आप लोग जब एग्जिट करने जाओगे उसे आपको फिर से आप लोग को शो होगा कि गाइस कंटिन्यू टू हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स। तो अगर आप लोग कंटिन्यू किए मतलब बंद करने के लिए तो गाइस बंद तो हो जाएगा लेकिन हॉट गेम्स और हॉट एप्स जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आप लोग को ठीक से देखना होगा और ठीक से लाइन्स पढ़ना होगा। एंड बहुत ही ज़्यादा डार्क पैटर्न्स है, तो यार वीवो यार
एकदम गंदा गाइस एक एक्सपीरियंस देता है इस फ्रंट टच ओएस के साथ। ऐसा नहीं कि इसमें कोई लैक्स ट्विटर है या फिर कुछ बग्स है बहुत ज़्यादा, हाँ थोड़ा बहुत बग्स तो मुझे फिर भी दिखा है, लेकिन हाँ मैं ये चीज़ कहूँगा कि बग्स कैसे दिखाए, लाइक कभी कभी कॉल मैंने जब मैं कान में लेता हूँ पता नहीं बंद क्यों नहीं होता, हालांकि इसमें प्रॉक्सिमिटी सेंसर है लेकिन पता नहीं क्या बग है यार। कभी कभी एक बार मैंने लॉक किया फ़ोन को तो लॉक नहीं हो रहा था, तो पता नहीं फिर से मैंने 2-3 बार प्रेस किया तब जाके लॉक हुआ। तो ओवरऑल मुझे ये छोटे छोटे बग्स हैं ये मुझे ज़्यादा यार परेशान नहीं करते, क्योंकि हाँ ये सॉफ्टवेयर के थ्रू फिक्स किया जा सकता है। लेकिन गाइस सच में एड्स, लाइक सीरियसली अगर आप लोग प्ले स्टोर से एक ऐप भी डाउनलोड करने चाहोगे ना तो फिर भी ये ऐड दिखाएगा। आई मीन वीवो यार 90,000 का फ़ोन है, कुछ तो शर्म कर लो यार कुछ तो। लाइक ये फ्रंट टच ओएस के लिए ना बस ये एक सिंगल पॉइंट है फ्रंट टच ओएस 14 जो गाइस इस फोन को ना थोड़ा सा गाइस मिड रेंज वाइब देता है, वरना इस फोन में और कोई भी ऐसा मेजर पॉइंट नहीं है जिसको मैं कॉन्स कह सकता हूँ। लाइक सीरियसली इसका जो फ्रंट टच ओएस है ना वो गाइस एकदम गंदा है, सीरियस बता रहा हूँ। नेक्स्ट गाइस इस फोन का साउंड एंड हैप्टिक्स, तो यार मैं ज़्यादा कुछ फिर से मैं नहीं कहना चाहता, साउंड एंड हैप्टिक्स इस फ़ोन का बढ़िया है, मुझे कोई भी इशू फील नहीं हुआ है। एंड हैप्टिक्स यार सच में बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो हैप्टिक्स में मैं मुझे कह सकता हूँ कि हाँ ये वीवो ने वन ऑफ द बेस्ट हैप्टिक्स यूज़ किया इस फ़ोन में। हालांकि वीवो हमेशा से ही अच्छा हैप्टिक्स यूज़ करता है, लेकिन हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि X100 Pro में हैप्टिक्स तो थोड़ा और ज़्यादा इंप्रूव किया है एंड मुझे और ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। एंड ओवरऑल साउंड क्वालिटी भी इस फ़ोन का अच्छा है, साउंड क्वालिटी में कोई भी इशू नहीं है, डुअल स्टीरियो स्पीकर है एंड या ओवरऑल ना साउंड एंड हैप्टिक्स ये इस फोन का एकदम परफेक्ट है। अब बात करते हैं इस फोन का गाइस परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस इस फोन का कैसा है, तो एक बात बताओ गाइस परफॉर्मेंस इस फोन का सही में बहुत बढ़िया है। गाइस डिमेंसिटी 9300 मिल जाता है गाइस, एंड ये ना ऑलमोस्ट स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 के बराबर है, एंड ये यार बहुत ही फैंटास्टिक परफॉर्म करता है फोन। यार जब आप लोग बहुत ज़्यादा हेवी गेमिंग करोगे ना तो फोन वर्म तो होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वर्म कब होता है पता है, जब आप लोग कैमरा यूज़ करते हो। गाइस कैमरा इसका बहुत लूट लेता है, तो ओवरऑल ना मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोसेसिंग तो इसका बहुत अच्छा ही है, एंड V3 चिप के साथ जो बहुत कंबाइन होकर जो ऑप्टिमाइज किया है ना फोन में यार एकदम बहुत ही बढ़िया यार, सिंपली बता रहा हूँ। तो मुझे परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं लगा यार, बहुत सारा गेम खेल के देखा, लॉन्ग टर्म खेल के देखा तो हाँ थोड़ा सा वर्म होता है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाता है, आप लोग फोन हाथ में पकड़ नहीं सकते ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हाँ वर्म होता है गाइस 38-39 डिग्री तक जाता है, लेकिन हाँ ओवरऑल गाइस इसका मैं ये कहूँगा कि इसमें हीटिंग इशू तो बिल्कुल नहीं है, एंड ओवरऑल गाइस परफॉर्मेंस बहुत ही है। गाइस आप लोग को हर एक चीज़ का तो गाइस स्कोर आप लोग को दिख ही रहा होगा, एंटूटू का, गीक बेंच का, गाइस 3D Mark, वाइल्ड लाइफ स्ट्रेस टेस्ट सब कुछ मैंने रन किया है, एंड ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि इस फोन में यार सही में अच्छा अच्छा काम किया है एंड बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस की तरफ से वीवो ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, डिमेंसिटी 9300 यार इस फोन को अच्छे से ऑप्टिमाइज भी करता है, इमेज प्रोसेसिंग में काम भी आता है एंड बैटरी लाइफ में भी काम आता है, आगे मैं बताता हूँ। सो यार परफॉर्मेंस में मुझे कोई भी इशू फील नहीं हुआ है। अब फाइनली बात करते हैं गाइस इस फोन का बैटरी के बारे में, तो कैसा है इसका बैटरी, तो यार बैटरी में मुझे कोई भी इशू फील नहीं हो, क्योंकि गाइस बैटरी इसका ह्यूमंगस है 5400 mAh यार, काफ़ी ज़्यादा सही बैटरी है एंड काफ़ी ज़्यादा यार अच्छा काम भी करता है, क्योंकि यार मुझे 7 hours प्लस गाइस स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा था जो कि मुझे फैंटास्टिक लगा, क्योंकि गाइस मैंने बहुत सारा फोटोज़ भी क्लिक किया था एंड फोटोज़ में यार चार्जिंग तो जा रहा था सच बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी आपका फ़ोन हीटअप होता है ना तब भी गाइस बैटरी जल्दी ड्रेन करता है, लेकिन ये फ़ोन ना मैंने एक चीज़ देखा गर्म तो होता है लेकिन गाइस मतलब बहुत जल्दी कूल डाउन भी कर लेता है खुद को यार, मतलब बढ़िया से ऑप्टिमाइजेशन तो किया गया है फ़ोन में मैं इतना कह सकता हूँ, एंड बैटरी में मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि 7 hours प्लस एक अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है एंड फ्लैगशिप के लिए तो बहुत अच्छा स्क्रीन ऑन टाइम है, एंड मुझे हाँ मुझे कोई भी शिकायत नहीं हो, क्योंकि गाइस इसमें 100W चार्जिंग तो सपोर्ट मिलता ही है, बॉक्स में 120W मिलता है, लेकिन हाँ इस फोन को गाइस 100W ही सपोर्ट मिलता है, गाइस 50W वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है एंड 10W गाइस 10W का ना रिवर्स वायरलेस चार्जिंग मिलता है, जो कि यार मुझे फैंटास्टिक लगा इस फोन में। तो वीवो ने यार फ्लैगशिप वाला काम तो किया है, क्योंकि गाइस ओवरऑल सब कुछ फीचर ही दे दिया है वीवो ने, तो मुझे मज़ा आया एंड बैटरी में भी मुझे कोई भी शिकायत नहीं है इस वीवो X100 Pro से। अब फाइनली बात करते हैं वर्डिक्ट एंड क्या ये फ़ोन आप लोग को लेना चाहिए, तो गाइस वीवो X100 Pro जो है ना यार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि यार फैंटास्टिक फ़ोन है एंड मेरा ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द फेवरेट फोन्स के लिस्ट में आ गया है एंड मुझे यार फ़ोन बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लगा। एक मेजर कॉन जो है ना वो है इसका UI, गाइस फ्रंट टच ओएस को ना थोड़ा सा इम्प्रूव डेफिनेटली करना चाहिए, गाइस फ्रंट टच ओएस इस फ़ोन को बस बिगाड़ रहा है, बाकी मुझे यार
एज सच मुझे कोई बहुत मेजर इशू नहीं लगा इस फ़ोन में कि लाइक डील ब्रेकर हो सकता है। गाइस इसका डिस्प्ले बहुत सही है, गाइस इसका बैटरी बहुत सही है, गाइस इसका बिल्ड क्वालिटी अच्छा है, ऊपर से गाइस इसका साउंड एंड हैप्टिक्स भी बहुत बढ़िया है, एंड यार परफॉर्मेंस भी यार सही है। Dimensity 9300 काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। एंड जो मेन चीज़ है जिसके बारे में मैं लास्ट में बताना चाहता था कि यार कैमरा इसका फैंटास्टिक है। अगर आप लोग सेल्फी होलिक हो एंड आप लोग को UI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बस तभी इस फ़ोन को इग्नोर कर सकते हो, वरना यार कोई भी आप लोग ये फ़ोन बाय कर सकते हो क्योंकि ये फ़ोन फैंटास्टिक है। एंड अगर आपको ना टेलीफोटो लेंस से फ़ोटो क्लिक करना पसंद है आग बंद करके ये फ़ोन ले लो, क्योंकि ये अभी तक का मार्केट में दी बेस्ट स्मार्टफोन है पोर्ट्रेट फोटो के लिए, पोर्ट्रेट पिक्चर के लिए। इंडिया में ऐसा कोई भी फ़ोन नहीं है जो पोर्ट्रेट में इस फ़ोन को बीट कर सकता है, मैं एकदम कंफर्म कह सकता हूँ। ना S24 अल्ट्रा ना ही iPhone 15 प्रो मैक्स, एंड ये 100% कन्फर्मेशन है, क्योंकि गाइस इसका पोर्ट्रेट मोड जस्ट ऑसम है, जस्ट मतलब नेक्स्ट लेवल है, एक न्यू बेंचमार्क सेट कर दिया वीवो ने। तो यही था गाइस मेरा रिव्यू, एंड थैंक्स वॉचिंग गाइस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर देना, एंड स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि पता है बहुत बहुत सारा वीडियोस आने वाला है, क्योंकि बैकएंड बहुत काम चल रहा है। ओके सो गुड बाय, स्टे सेफ।